नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रतिशत की क्लास सेकंड में। ठीक, तो आज हम परसेंटेज कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में जहाँ से छोड़ा था उससे आगे हम प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में फ्रैक्शंस के बारे में बात हो चुकी थी और मैंने आपको फ्रैक्शंस का मतलब बता दिया था क्या होता है। तो जैसे बात करें 16 and 2/3, ये मैं बता चुका हूँ आपको। 1/6, इसका मतलब होता है कि 6 एक नंबर है जिसका 16 से ही 2/3 प्रतिशत कितना है, 1 है। 6 एक नंबर है जिसका 16 से ही 2/3 प्रतिशत कितना है, 1 है। सो पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस इज कॉल्ड परसेंटेज वैल्यू एंड दैट वन इज कॉल्ड, सॉरी, दिस वन इज कॉल्ड ओरिजिनल वैल्यू एंड दिस वन इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, कोई भी नंबर ले लो, 66 2/3, इसका फ्रैक्शन कितना था, 2/3। इसका मतलब है कि 3 एक नंबर है जिसका 16 and 2/3% कितना है, 2 है। ये एक नंबर है जिसका 16 and 2/3% कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये परसेंटेज वैल्यू, और ये क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर, वह नंबर जिसका 16 and 2/3% कितना है, 2 है। तो इस बात को आप इस प्रकार से लिख लीजिए, आपको आसानी रहेगी आगे पढ़ने में। ये कोई भी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो नीचे होता है आपका ओरिजिनल नंबर, अगर किसी परसेंटेज के फ्रैक्शन की बात करते हैं, किसी प्रतिशत के फ्रैक्शन की बात करते हैं तो नीचे होता है ओरिजिनल नंबर, और ऊपर जो आपका होता है वह होता है आपका परसेंटेज, वो आपकी होती है परसेंटेज वैल्यू। तो इस पे आधारित प्रश्न आज हम करने वाले हैं। देखिए क्लास का प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। किसी संख्या में उसका 66 से 2/3% जोड़ने पर, आसान क्वेश्चन कर लो इससे पहले। किसी संख्या का 66 से 2/3% 248 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या हो, कोई नंबर है जिसका 16 and 2/3% कितना है, 248। तो वह नंबर हमको बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या है। देखो 16 and 2/3%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 2/3। नीचे आपकी ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर है आपकी परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज मतलब वैल्यू मतलब कि 3 का 66 से 2/3% कितना है, 2 है। मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, कि किसी संख्या का 66 से 2/3% 66 से 2/3% कितना है, 248 है। तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि 248 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, परसेंटेज की वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू है। समझ पा रहे हो, किसी संख्या का 66 से 2/3% मतलब कोई नंबर है, कौन सा नंबर, तो नहीं जाता है ओरिजिनल नंबर, कोई ओरिजिनल नंबर है जिसकी प्रतिशत वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 248। और कितने परसेंट की वैल्यू, 66 से 2/3% की वैल्यू कितनी दी है, 248। तो मुझे बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 248। और फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या परसेंटेज वैल्यू, मैंने बताया था ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू। तो यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू 2, यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू 248, दोनों को कंपैरिजन करूंगा तो क्या बोलूंगा कि 2 इक्वल है 248 के। 2 की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट इक्वल है 248 के। तो मुझे बताओ क्या पूछा है, वह संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर, अगर 2 की वैल्यू 248 है तो क्या 1 की वैल्यू होगी 124। ठीक है, हमको ओरिजिनल नंबर निकालना है, 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 124 × 3, 372। और यही क्या होगा आपका, वह नंबर होगा 372, ये आपका क्या होगा, वह नंबर होगा जिसकी आपको क्या निकालनी थी, ओरिजिनल नंबर आपको जो निकालना था वो कितना है, 372। किसी संख्या का 66 से 2/3% 248 है तो क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू कितनी दी है, 248, और फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 2। दोनों का कंपैरिजन करो, हमको निकालनी है ओरिजिनल वैल्यू,
ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 3, कंपैरिजन करके 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, और 1 यूनिट निकलने के बाद जो भी ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है उतने यूनिट की क्या निकाल लो वैल्यू, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा इजी। और देखो देखते जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। किसी संख्या का, किसी संख्या का 64 सही 2/7%, किसी संख्या का 64 सही 2/7% नौ सौ 63 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या देखो, किसी संख्या का 64 सही 2/7% कितना है, 963 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन जब आप टेबल में देखोगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है तो टेबल से ही जोड़ तोड़ के बनानी है आपको। तो अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाता हूँ तो क्या मैं 64 सही 2/7% को लिख सकता हूँ 50% प्लस 14 सही 2/7। देखो 50 और 14 64 और 2/7, मुझे बताओ 50% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन 1/2। 49 2/7 कितना होता है 1/7, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 9/43, 9/43। तो मुझे बताओ परसेंटेज वैल्यू कितनी है 9, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 14। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, परसेंटेज वैल्यू दी है। किसी संख्या का 64 सही 2/7%, मतलब ये वैल्यू क्या है प्रतिशत वैल्यू। तो कंपैरिजन करते हैं तो 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे 9 यूनिट हो जाएगा 963 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, तो 963 को 9 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 107। और हमको ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो ओरिजिनल नंबर कितना है 14 यूनिट, और 14 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी 107 × 14 112, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1512। ठीक है, समझ पा रहे हो, सॉरी 1498, 1498 आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1498। तो इस प्रकार से यूज करना है फ्रैक्शंस का। और देखिए क्वेश्चन, और देखो समझते जाओ। किसी संख्या का 62 सही 1/2%, किसी संख्या का 62 सही 1/2% 545 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 62.5% कितना है 545। क्वेश्चन आपको दिए परसेंटेज वैल्यू, क्वेश्चन में आपको दिए परसेंटेज वैल्यू, तो आपको पता है 62 सही 1/2% का फ्रैक्शन होता है 5/8। ठीक है, ये हम टेबल में पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि 62.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8। तो मुझे बताओ यहाँ पर फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू कितनी है 5, क्वेश्चन में परसेंटेज वैल्यू कितनी है 545, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 5 यूनिट बराबर होगी 545 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 109, और हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 109 × 8, और आप बोल दोगे 872। ठीक है, तो ओरिजिनल आपका जो नंबर था किसी संख्या का 62.5%, वो संख्या क्या है 872 है। ठीक है, क्या बात समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से आप टैकल कर सकते हो फ्रैक्शंस। देखो इसमें और भी बदलाव हो सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, किसी संख्या में उसका 66 सही 2/3, या फ्रैक्शन अलग ले लो 166 सही 2/3% जोड़ने पर किसी संख्या में उसका 66 सही 2/3% जोड़ने पर 166 सही 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या
848 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। किसी संख्या में उसका 166 सही 2/3% जोड़ने पर, मतलब समझो इसका क्या है कि कोई संख्या है एक्स और एक्स में उसका परसेंटेज वैल्यू कितने परसेंट की वैल्यू, एक्स की 166 सही 2/3% जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या हो रही है वो कितना है 848। ये तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ से सॉल्व करने का एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड देखो, देखो 166 सही 2/3%, इसका फ्रैक्शन आपको ये निकाल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो 100% प्लस 66 एंड 2/3%। 100% का होता है 1, इसका होता है 2/3, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5/3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि किसी संख्या में उसकी प्रतिशत वैल्यू जोड़ रहा है, कोई नंबर है उसमें उसका, कोई ओरिजिनल नंबर है उसमें उसकी परसेंटेज वैल्यू जोड़ रहा है। तो मुझे बताओ कि ये एक नंबर है और इसकी परसेंटेज वैल्यू 5 है, तो 3 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 8। फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 3 में अगर 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 8, इसका मतलब 8 ही मिनट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोड़ने पर कितना मिल रहा है 848, तो 8 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 848 के, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 106। और हमें क्या निकालना है ओरिजिनल नंबर, और ओरिजिनल नंबर कितना है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 106 × 3 318, 6 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 318, जो कि क्या है हमारा ओरिजिनल नंबर है। और यही तो हमसे पूछा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अगर जोड़ने के लिए बोले तो ओरिजिनल वैल्यू में उसकी परसेंटेज वैल्यू जोड़ दो और कंपैरिजन कर लो, अगर घटाने के लिए बोले तो माइनस कर। और देखिए, किसी संख्या में से उसका 14 सही 2/7% घटाने पर, प्राप्त संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या छह सौ तीस है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में से उसका 14 सही 2/7% घटाने पर प्राप्त संख्या 630 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस बार घटाने के लिए बोल रहा है, तो 49 2/7% का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/7। किसी संख्या में से कोई ओरिजिनल नंबर है, कितना है ओरिजिनल नंबर 7, उसका 14 सही 2/7% घटाने पर, मुझे बताओ 7 का 14 सही 2/7% क्या होगा 1। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि 7 एक नंबर है और उसका 14 सही 2/7% घटाने पर, तो 7 में से 1 गया तो कितना आ गया 6 यूनिट। ओरिजिनल वैल्यू में से 14 से 2/7% मतलब 1 वैल्यू, 1 की वैल्यू घटा दी, 7 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया 6। और 6 यूनिट किसके बराबर है 630 के, घटाने पर तो बोल रहा है 7 में से 1 घटाने पर 6, और यहां पर घटाने पर कितना है 630, तो 6 यूनिट किसके बराबर हो गई 630 के, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई, आप डिवाइड कर लेना 105, ठीक है 6 से डिवाइड कर लेना। और हमको ओरिजिनल नंबर निकालना है, ओरिजिनल नंबर कितना है 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 105 × 7 और ये हो जाएगा 700। क्या समझ पा रहे हो बात को, अगर जोड़ने पर बोले तो दोनों को जोड़ दीजिए, घटाने के लिए बोले तो ओरिजिनल नंबर में से उसकी जितनी परसेंट वैल्यू परसेंटेज वैल्यू घटा दीजिए और उससे कंपेरिजन कर दीजिए, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। और देखो, किसी संख्या में से उसका 12 सही 1/2% घटाने पर प्राप्त संख्या 343 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।
बिल्कुल आसान है, आप समझ गए हो कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर हो गया 108, घटाने पर बोल रहा है तो 8 में से 1 गया कितना 7, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घटाने पर वैल्यू कितनी है 343, तो 7 यूनिट बराबर हो गया 343 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 49। 7 से डिवाइड करो कितना आएगा 49, और हमको ओरिजिनल नंबर पूछा है, 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 49 इंटू 8, 8 चौक 32, 320 नॉट है 72, 352। ठीक है, तो ये आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार जोड़ने पर घटाने पर आपसे पूछा जा सकता है कि किसी संख्या में से उसका 12.5% घटाने पर प्राप्त संख्या 343 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में जोड़ने पर, देखो अगर यहाँ पर जोड़ने पर होता तो 8 और 1 9, 9 जोड़ के कंपेरिजन करते किससे, इससे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ कि आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 33.1/3% लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 33.1/3% लड़कियां हैं तथा शेष क्या है, शेष लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या 248 हो तो क्या है, पहला बताइए लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, और सेकंड बताओ कुल विद्यार्थी। दो क्वेश्चन पूछे हैं, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 33.1/3% क्या है लड़कियां हैं, और शेष क्या है लड़के, ऑब्वियस सी बात है शेष लड़के ही होंगे। यदि लड़कों की संख्या 248 है तो आपसे पूछा है लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए और कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो जैसा कि आपको पता है कि 33.1/3% इसका वैल्यू होता है 1/3, इसलिए कितनी होती है 1/3, मतलब इसका ये है कि कुल विद्यार्थी है 3, और उस 3 में से कितने प्रतिशत, 33.1/3%, 3 का 33.1/3% कितना होगा 1 होगा। बता चुका हूँ कि ऊपर क्या होती है परसेंटेज वैल्यू, इसका मतलब ये है कि ये तो है आपके कुल विद्यार्थी, ये तो क्या आपके कुल विद्यार्थी, और ये क्या है लड़कियों की, ये क्या है लड़कियों की संख्या। तो मुझे बताओ जब 3 में से 1 लड़की है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 3 में से 1 लड़की है तो बचे हुए 2 क्या होंगे लड़के होंगे, इसका मतलब लड़के कितने हैं 2 यूनिट। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लड़कों की संख्या कितनी है 248, तो आप बोलोगे कि 2 यूनिट बराबर किसके हो जाएगी 248 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, तो यहाँ से आप बोलोगे 124, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 124। पहला पूछा है लड़कियों की संख्या, और क्या लड़कियां 1 यूनिट है, 1 यूनिट तो है, तो लड़कियों की संख्या तो हो गई 124, 1 यूनिट की वैल्यू लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 124। और अगर लड़कों की संख्या पूछे, सॉरी कुल विद्यार्थी पूछे, तो मुझे बताओ कुल विद्यार्थी कितने हैं 3 यूनिट, तो अगर 1 यूनिट इतनी है तो 3 यूनिट हो जाएगी 124 गुणा 3, तो आप बोलोगे 24 या 72, 300। ठीक है, तो 3 यूनिट, तो कुल विद्यार्थी तो हो गए 372, लड़कियों की संख्या हो गई 124, और लड़के हो गए 248। ठीक है, क्या बात समझ पा रहे हो, देखो इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, 248 लड़के हैं और 124 लड़कियां, तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 372। ये बात आपको क्या करनी थी समझ। सब कुछ फ्रैक्शन से चल रहा है। ठीक है,
कक्षा में, एक कक्षा में 66.2/3% विद्यार्थी के पास विज्ञान विषय है, विज्ञान विषय है तथा शेष के पास कला विषय है। ठीक है, ये क्वेश्चन, शेष के पास कला विषय है। ठीक है, यदि दोनों संकाय के, यदि दोनों संकाय के विद्यार्थियों का अंतर, विद्यार्थियों का अंतर 120 है तो कक्षा में पहला विज्ञान विषय के छात्र, कक्षा में आपको बताना है कि विज्ञान विषय के कितने छात्र हैं, दूसरा आपको बताना है कि कला विषय के कितने छात्र हैं, और थर्ड बताना है आपको कुल विद्यार्थियों की। तीन क्वेश्चन बना दिए मैंने इसमें से। एक कक्षा में 66.2/3 विद्यार्थियों के पास क्या है, विज्ञान विषय है तथा शेष के पास कला विषय है। ठीक है, यदि दोनों संख्या के विद्यार्थियों का अंतर 120 है तो कक्षा में विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की संख्या, कला विषय के विद्यार्थियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समझते हैं ना, 66.2/3% ये क्या है, विज्ञान विषय के छात्र है। किसके छात्र हैं, विज्ञान विषय के। तो आपको बताया इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 2/3। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि कुल विद्यार्थी तो है 3, कुल विद्यार्थी कितने हैं 3, और उसमें से 66.2/3%। मुझे बताओ 3 का 66.2/3% क्या होगा, 2। आप कहोगे बिल्कुल होगा, तो 2 क्या है, विज्ञान विषय के छात्र। कुल विद्यार्थी है 3, उसमें से 2 क्या है, विज्ञान विषय के छात्र हैं, और हमको क्वेश्चन में दिया है कि दोनों संख्या के विद्यार्थियों का अंतर 120 है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर दोनों संकाय के विद्यार्थियों का अंतर, तो मुझे बताओ कुल 3 है, अगर 3 में से 2 विज्ञान विषय के हैं तो क्या 1 होगा, 3 में से 2 विज्ञान विषय के हैं तो कला विषय में कितना होगा, आप कहोगे 1 विद्यार्थी होगा, और विज्ञान में कितने हैं, 2 हैं, कला में 1 है, तो दोनों का अंतर बताओ कितना है, 1 का अंतर है, दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। तो आप कहोगे कि दोनों संख्याएं के विद्यार्थियों का अंतर है 1, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गई, क्वेश्चन में कितना अंतर दिया है 120, 1 यूनिट 120 के बराबर हो गई, तो 1 यूनिट कला के विद्यार्थी, 1 यूनिट ही था, तो ये कला विषय के विद्यार्थी आ गए हमारे पास 120। देखो विज्ञान विषय में, विज्ञान विषय कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 120 × 2, 240। तो विज्ञान विषय में कितने आ गए, 240, और कुल विद्यार्थी पूछे 3 यूनिट, तो 1 यूनिट 120 है, तो 3 यूनिट कितनी हो गई, 360। तो कुल विद्यार्थी कितने आ गए आपके पास, 300। तो इस प्रकार से आपको फ्रैक्शन से इसको क्या करना है, टैकल करना है। क्या समझ पा रहे हो बात, ठीक है।